ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीएस अंकल कांस्टे। सो गाइस अप्रोक्सीमेटली 75 डेज लेफ्ट, आई एम श्योर आपका काउंट डाउन टू द एग्जाम्स हैज बिगन। आई एम श्योर अब आप सेकेंड या थर्ड रिविजन के ऊपर बहुत जल्द आने वाले हैं, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के अपन सिलेक्टिव क्वेश्चन करें, बिकॉज टाइम कम है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव स्टडीज करने को बोल रहा हूं, बट ऐसे क्वेश्चन करें विच कवर द एंटायर सिलेबस, द एंटायर कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम। अपने को भी एक सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ भाई ये चैप्टर पूरी तरह से कर लिया। अब जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप एग्जॉस्टिवली सारे क्वेश्चन कर लेते हो, बट सेकेंड एंड थर्ड टाइम में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि यार टाइम कम है भाई। फर्स्ट टाइम में तो अपन ने 10-12 दिन दे दिए थे एक सब्जेक्ट को, अब ऑब्वियसली 6 to 7 डेज है, उसके बाद वाले रिविजन में शायद 3 to 4 डेज होंगे। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस करें विच कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एट द सेम टाइम आपके वो मास्टर क्वेश्चंस हो जिससे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओ चीजों को। तो मैंने आप लोगों के लिए जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं अपने SCMP में, सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक कवरेज होगा सारी चीजों का, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ICAI मॉड्यूल से ही मैं आपको मार्क करवा रहा हूं। अगर आपके पास ऑप्टिमाइज है देन इन दैट केस मैंने ऑप्टिमाइज से भी मार्क करवाया, सेम टू सेम क्वेश्चंस। सो लेट्स डाउनलोड दिस इमीडिएटली फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो आपको मिल ही जाएगा, सो प्लीज वहां से डाउनलोड कर लो। एंड फॉर द एग्जामिनेशंस यू विल जस्ट फॉलो दीज क्वेश्चंस, एंड आई अश्योर कि इसमें से अगर आपने कर दिया तो कॉन्सेप्ट वाइज जैसा मैं बोल रहा था मास्टर क्वेश्चंस जैसे हैं ये, जिससे आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ऑलराइट गाइस, सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है आपको। ओके, इसमें मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किया। इन केस आपको थ्योरी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट केस स्टडीज चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट पे डालना, एंड नेक्स्ट वीक तक आपको वो भी मिल जाएगा सेम एक प्रॉपर PDF में, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर प्राइसिंग है, तो इसमें से कौन से मुझे लग रहा है कि ये बार आ सकते हैं वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से कौन सा पिकअप किया है परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। सो जस्ट डू दीज थिंग्स प्रॉपरली एंड आई फील प्रैक्टिकल वाला पार्ट प्रॉपरली हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो अराउंड 4 to 5 डेज में आपका पूरा का पूरा, अब देखो सेकेंड रिविजन में आई टोल्ड यू टाइम कम है अपने पास, यू नो यूजुअली 5 to 7 डेज से ज्यादा टाइम नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। सो दिस विल बी एबल, यू विल बी एबल टू कंप्लीट। मैं अगेन अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा स्ट्रैटेजी, जिससे आप अगर प्रॉपरली उसको फॉलो करते हो यू विल बी एबल टू इजिली मैनेज इट। अब राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में चालू रख रहा, देख रहा हूं लास्ट 1 to 2 मंथ्स मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट का राइटिंग प्रैक्टिस एकदम ही वो आउट ऑफ टच हो जाता है, तो उसके लिए या तो आपको टेस्ट लिखना है, ठीक है, उसके लिए भी आप लोग के साथ देखो ये यहाँ पे गूगल शीट शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप फिल कर देना सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू। और आई एम प्लानिंग समथिंग स्पेशल इन द टेस्ट दिस टाइम, तो क्या है वो अपडेट करूंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। एंड अगर वो सही तरीके से हो जाता है डेफिनेटली विल वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू गिव दोज एग्जाम, सो दैट आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए एंड आपका रिलीजियसली एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट का राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट फ्यू डेज इंपॉर्टेंट थिंग टू ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल, इन 3 चीजों के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं होना चाहिए। देयर विल बी डेज जब अच्छी पढ़ाई होगी, देयर विल बी डेज 1-2 दिन जब थोड़ा अप डाउन फील करोगे, इट्स ओके, कम बैक हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सो 1-2 दिन अगर ऊपर नीचे होते हैं उसके वजह से टेंशन मत लेना, दैट्स प्रीटी नॉर्मल, बट ये 3 चीजों को ईट वेल, स्लीप वेल, स्टडी वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलो गाइज ये डाउनलोड कर लो, फटाफट स्टार्ट कर दो। इसी से रिलेटेड अब मैं SFM में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट लाऊंगा नेक्स्ट वीक, इन केस आपका हो गया है SFM तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड इंपॉर्टेंट केस स्टडीज एंड थ्योरी क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो भी मोस्ट प्रॉबली आपको मंडे या ट्यूसडे तक शेयर कर दिया जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ मैं 2-3 चीज शेयर करने वाला हूं। एक तो ये PDF, सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल SCMP इन 5 to 6 डेज मैक्सिमम। देन टेस्ट सीरीज का एक लिंक होगा, वो लिंक आप लोग क्लिक करके फॉर्म भर देना, सो दैट यू नो द टेस्ट दैट यू वांट टू अपियर विद मी, जो मैं पेपर बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, एंड आप लोगों को मॉनिटर करने वाला हूं वो टेस्ट के लिए,
वो भी आप लोग के पास आ जाए। ऑलराइट गाइस, चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, कीप स्टडिंग हार्ड, फॉलो दिस, ईट वेल, स्लीप वेल, स्टडी वेल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।